अयोध्या में गैंगरेप से जुड़ी बड़ी खबर है। मुख्य आरोपी मोहित खान के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में दुकान खाली कराई जा रही है। व्यापारी कर रहे हैं दुकान खाली और कल बेकरी पर बुलडोजर चला था। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की जांच में पिछला हिस्सा पाया गया था अवैध, जिसको लेकर अब कार्रवाई करने की तैयारी भी की जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मोहित खान जो कि गैंगरेप का मुख्य आरोपी है और लगातार एक्शन जारी है। कल भी मोहित खान की बेकरी पर बुलडोजर एक्शन हुआ था, आज शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को खाली कराया जा रहा है। इसके अलावा मकान पर भी बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिलेगी। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मोहित खान के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की, ये तस्वीरें जहां पर व्यापारी सामान निकाल रहे हैं और दुकानों को खाली कर रहे हैं और माना जा रहा है कि जल्द यहां पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिलेगा। इसका पिछला हिस्सा अवैध पाया गया था, जिसके बाद में प्रशासन लगातार एक्टिव है और साथ ही जल्द ही यहां पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिलेगा। तैयारियां की जा रही हैं, सामान को बाहर निकाला जा रहा है। दर्जा मामले में लगातार प्रशासन की कार्रवाई चालू है। कल अवैध रूप से निर्मित बेकरी को डेमोलाइज किया गया था, तो आज ये जो बिल्डिंग आपको दिख रही है ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है और इस कॉम्प्लेक्स का जो मालिक है वो मुख्य आरोपी है। इसका पिछला हिस्सा तालाब की जमीन पर बताया जा रहा है। अब जो इसमें दुकानें संचालित हैं और दुकानदारों में दहशत है और व्यापारियों ने अपनी दुकानें लगभग खाली कर दी हैं। अगर बात की जाए तो पूरी बिल्डिंग करीब खाली हो गई है। हालांकि इसमें एक पंजाब नेशनल बैंक चल रहा है, जिसको प्रशासन की तरफ से नोटिस दी गई है और ये बैंक खाली होने के बाद इस पर भी डेमोलाइजेशन का कार्य की कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ये भी अवैध रूप से तालाब की ज़मीन पर बना है। फिलहाल भदरसा कांड में मुख्य आरोपी के मकान की भी पैमाइश राजस्व विभाग करेगा और उसके रिपोर्ट पर के आधार पर भी आगे कार्रवाई होगी। पीड़ित बच्ची को न्याय देने के लिए अब लोग भी लामबद्ध हैं, समाजसेवी संगठन भी आगे आ रहे हैं, तो वहीं बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल भी अब से कुछ ही देर में अयोध्या पहुंचेगा और वो सबसे पहले घटनास्थल यानी कि इस गांव में आएगा जहां पर पीड़ित बिटिया के घर जाएगा, उसके बाद बच्ची से मुलाकात किया करेगा और फिर पत्रकार वार्ता को संबोधित भी करेगा। अयोध्या से रिपोर्टिंग के लिए तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, साथ ही आपको ग्राउंड जीरो से अपडेट दे रहे थे हमारे संवाददाता। और ये देखिए, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की जब बेकरी पर कार्रवाई की गई थी, मकान पर भी बुलडोजर चलेगा। इसके अलावा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में दुकानों को खाली कराया जा रहा है और जल्द ही शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर भी बुलडोजर एक्शन होगा। तो पूरा मामला अयोध्या में हुए गैंगरेप से जुड़ा हुआ है। 12 साल की बच्ची के साथ में बलात्कार किया था, जिसमें पुलिस ने मुख्य आरोपी मोहित खान को बनाया है, जो कि समाजवादी पार्टी का नेता है और अब इसको लेकर सियासत भी जारी है। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि जीरो टॉलरेंस के तहत कार्रवाई की जा रही है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। मोहित खान के घर पर भी चल सकता है बुलडोजर, एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कब्रिस्तान की जमीन पर बना रखी है प्रॉपर्टी, मोहित की प्रॉपर्टी की जांच भी की जा रही है और मोहित खान के घर पर बुलडोजर चल सकता है, एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कब्रिस्तान की जमीन पर बना है घर और साथ ही मोहित की प्रॉपर्टी की भी जांच की जा रही है और साथ ही एक बड़ी खबर और मिल रही है, पीड़िता के घर पहुंचा है बीजेपी डेलीगेशन, एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पीड़ित परिवार से मुलाकात के लिए बीजेपी डेलीगेशन अयोध्या पहुंच गया है और साथ ही परिवार वालों से मुलाकात करेंगे, उसके बाद में अस्पताल भी पहुंचेंगे बीजेपी के नेता, जहां पीड़िता को देखेंगे और साथ ही आर्थिक सहायता देने की बात भी कही जा रही। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अयोध्या गैंगरेप से जुड़ी हुई बीजेपी का डेलीगेशन अयोध्या पहुंच चुका है और परिवार वालों से मुलाकात करेंगे, जिसके बाद में अस्पताल भी पहुंचेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ में संकेत मिश्रा जुड़ गए हैं, संकेत का रुख कर लेते हैं। संकेत बताइए, किस तरह की अपडेट मिल पा रही है, क्योंकि बीजेपी का डेलीगेशन पहुंच चुका है और साथ ही परिवार वालों से मुलाकात भी करनी है, अस्पताल भी जाने को लेकर जानकारी मिल रही है, तो क्या बातचीत अंदर हो रही है, क्या अपडेट मिल पा रही मौके से?
बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी का जो डेलीगेशन है वो पहुंच चुका है पीड़िता के घर पर, और उस डेलीगेशन में मंत्री नरेंद्र कश्यप हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं, और इसके अलावा उस डेलीगेशन में बाबूराम निषाद जो कि राज्यसभा के सांसद हैं वो भी डेलीगेशन में मौजूद हैं, संगीता बलवंत बिंद वो भी इस डेलीगेशन में मौजूद हैं। तो ये 3 सदस्यीय डेलीगेशन भारतीय जनता पार्टी का पहुंचा है पीड़िता के गांव में और पीड़ित परिवार से मुलाकात कर रहा है, और जाहिर सी बात है कि इस घटना को लेकर जिस तरीके से योगी सरकार सख्ती बरत रही है, ताबड़तोड़ कार्रवाइयां हो रही हैं, तमाम जो चाहे वो संपत्तियां हों या फिर जो आरोपी है उसकी संपत्तियों की पड़ताल कर रही है, बुलडोजर चल रहा है, और इस समय की जो स्थिति है वो पीड़ित परिवार के पास में भारतीय जनता पार्टी का डेलीगेशन पहुंचा है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं नरेंद्र कश्यप, उनके घर पहुंचे हैं पीड़ित परिवार के, और इसके अलावा उनके साथ में राज्यसभा के सांसद भारतीय जनता पार्टी के बाबूराम निषाद भी मौजूद हैं। पीड़ित परिवार से इस समय डेलीगेशन बातचीत कर रहा है, उनसे पूरे इस घटनाक्रम को लेकर पूरी रिपोर्ट ले रहा है, और यहां से फिर डेलीगेशन जाएगा आगे जिला अस्पताल में जहां पीड़िता भर्ती है, वहां पर पहुंचेगा, पीड़िता से बातचीत करेगा। डेलीगेशन हर पहलू की पड़ताल कर रहा है, और जाहिर सी बात है कि जो ये कार्रवाई है उस कार्रवाई के बारे में भी डेलीगेशन बातचीत करेगा। संगठन भारतीय जनता पार्टी का अपने स्तर पर भी रिपोर्ट तैयार कर रहा है कि आखिर ये जो रिपोर्ट है, ये जो कार्रवाइयां हुई है वो किस तरीके से परिवार संतुष्ट है, अगर और भी मांग होगी तो उसको भी पूरा किया जाएगा। यानी कि जो योगी सरकार है वो पूरी तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को कर बहुत ही गंभीर है और सख्त है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में भी सीधे तौर पर कहा था कि सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, और वो कार्रवाई देखी भी जा रही है, लगातार कार्रवाइयां ताबड़तोड़ इस पूरे घटनाक्रम में हो रही हैं। जो आरोपी हैं उनके जो अवैध उनकी संपत्तियां हैं उन पर बुलडोजर चल रहा है, हालांकि आरोपी गिरफ्तार भी हो गए हैं, और सीधे तौर पर योगी सरकार इस पूरे मामले में योगी सरकार गंभीरता से लिए हुए है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्रवाई पर नजर बनाए हुए हैं, फीडबैक ले रहे हैं कि आखिर किस स्तर पर कार्रवाई पहुंच रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना को पहले दिन से ही गंभीरता से लिया, और उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात भी की, और जो भी उनकी मांगे थी उन मांगों को पूरी करने का पूरी तरीके से आश्वासन दिया था। पीड़ित परिवार उस आश्वासन से और उस कार्रवाई से पूरी तरीके से संतुष्ट भी है। ये गांव में जो डेलीगेशन है वो पहुंच चुका है, लगातार जो तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो भी पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें भारतीय, ये खब्बू तिवारी हैं, पूर्व विधायक रहे हैं, ये भी पहुंचे हैं यहाँ पर। तो ये भारतीय जनता पार्टी के डेलीगेशन के साथ में जो स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं अयोध्या और आसपास के, वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। अयोध्या की जो भारतीय जनता पार्टी की जिला टीम है वो भी यहाँ पर पहुंची है, जिले संगठन के लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, और बड़े स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं। तस्वीरें जो दिखाएंगे हम, ये वाहनों को आप देख सकते हैं, यानी कि जो डेलीगेशन पहुंचा है उसकी ये तस्वीरें हैं, उनके वाहनों की ये तस्वीरें हैं, और डेलीगेशन फिलहाल पीड़िता के घर पर मौजूद है, और जो नरेंद्र कश्यप हैं उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, डेलीगेशन में उनकी अध्यक्षता में पूरी टीम यहां पर आई है, डेलीगेशन आया है, और उस वो नरेंद्र कश्यप बातचीत कर रहे हैं पीड़ित परिवार से, जो अभी तक की कार्रवाई है उसके बारे में बातचीत कर रहे हैं कि आखिर जो कार्रवाई किस तरह से कार्रवाई हुई है और उस कार्रवाई से परिवार कितना संतुष्ट है। हालांकि जो परिवार सीधे तौर पर यह कह रहा है कि वो कार्रवाई से संतुष्ट है, जो कार्रवाई हुई है आरोपी के खिलाफ और जिस तरीके से घटना हुई, इस घटना को योगी सरकार ने पूरी गंभीरता से लिया और सख्त से सख्त कदम उठाने का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए थे, और निर्देश ही नहीं उन पर अमल हुआ और कार्रवाई हुई, बुलडोजर एक्शन हुआ, और उसके बाद अब भी कार्रवाई जारी है। जो यहाँ पर इसी गांव के आगे कॉम्प्लेक्स है उसको भी खाली कराया जा रहा है, उसमें दुकानदारों को नोटिस भेज दिया गया है, और उसको खाली कराकर उस पर भी बुलडोजर एक्शन होगा। फिलहाल की जो खबर है वो ये है कि डेलीगेशन मौजूद है पीड़ित परिवार के घर पर और पीड़ित परिवार से बातचीत कर रहा है, और उसके बाद ये डेलीगेशन यहाँ गांव से अयोध्या के लिए रवाना होगा, अयोध्या में जिला अस्पताल पहुंचेगा, जिला अस्पताल में वहाँ जो पीड़िता भर्ती है उसका हालचाल लेगा, और जो वहाँ पर जो उसके इलाज में जो स्वास्थ्य की टीमें लगी हुई हैं उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर किस स्तर पर इसकी स्वास्थ्य स्थिति है। सुरक्षा को लेकर पीड़ित परिवार की भी डेलीगेशन बातचीत कर रहा है कि सुरक्षा किस स्तर पर पीड़िता की और पीड़ित परिवार की है, और इसके बाद फिर यह डेलीगेशन अयोध्या जिला अस्पताल के बाद अंदर परिवार में कौन कौन सदस्य मौजूद है जिनसे बीजेपी के नेता मुलाकात कर रहे हैं, और साथ ही एक रिपोर्ट तैयार करने की भी जानकारी मिल रही थी, तो क्या परिजनों से मुलाकात करके ही ये रिपोर्ट तैयार होगी?
बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि जो भारतीय जनता पार्टी का डेलीगेशन आया है वो इस समय पीड़ित परिवार के, जो पीड़िता है उसके परिवार के पास में मौजूद है, और वहां पर जो पीड़िता है उसकी मां, चूंकि पूरा परिवार जिला अस्पताल में मौजूद था, प्रशासन कुछ देर पहले पीड़िता की मां यहां आवास पर आई है, और जो उनके रिश्तेदार हैं वो अंदर आवास में मौजूद हैं, और आवास के अंदर ही डेलीगेशन मौजूद है, पीड़िता की मां से बातचीत कर रहा है, पीड़ित परिवार से बातचीत कर रहा है, जो उनके रिश्तेदार हैं और उन लोगों से बातचीत कर रहा है। डेलीगेशन के जो सदस्य हैं, खासकर जो जिनकी अध्यक्षता में डेलीगेशन आया है, नरेंद्र कश्यप, वो मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, और इसके अलावा ओबीसी मोर्चा के उत्तर प्रदेश के प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं, यानी कि संगठन के भी चेहरे हैं। उनके साथ में बाबूराम निषाद हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा के सांसद हैं, तो वो भी साथ में मौजूद हैं, वो भी बातचीत कर रहे हैं कि जो अभी तक की कार्रवाई है उसके बारे में भी अवगत करा रहे हैं, और पीड़ित परिवार से फीडबैक ले रहे हैं कि वह कार्रवाई से कितना संतुष्ट है, और उसके बाद पीड़ित परिवार से यह भी बातचीत कर रहे हैं कि आखिर वो और क्या कुछ चाहते हैं। तो इन सभी बिंदुओं पर पड़ताल जारी है, और ये बड़ी जिस तरीके से घटना हुई इस पर बड़ी कार्रवाई लगातार जारी है। योगी सरकार पूरी तरीके से इस घटना को लेकर जो कार्रवाई हो रही है उस पर पूरी नजर बनाए हुए है, योगी सरकार के अफसर लगे हुए हैं, और भारतीय जनता पार्टी का जो डेलीगेशन है वो आवास में मौजूद है पीड़िता के, और वहां पर वो बातचीत कर रहे हैं कि आखिर जो ये घटना हुई, घटना के बाद जो कार्रवाइयां हुई वो कार्रवाई से कितना संतुष्ट ये पीड़ित परिवार है, और किस तरीके से और वो कार्रवाइयां चाह रहे हैं। हर बिंदु की रिपोर्ट तैयार कराई जा रही है, हर पहलू की रिपोर्ट तैयार हो रही है, जिससे कि कोई भी आरोपी इस पूरे घटनाक्रम में जो शामिल रहे हो बचे ना किसी भी तरीके से, उन पर कोई कार्रवाई में ढिलाई ना हो। जाहिर सी बात है कि पूरा अमला जुटा हुआ है कि एक्शन के मूड में सरकार है, सरकार लगातार योगी सरकार निर्देश दे चुकी है और वो कार्रवाइयां जारी भी हैं। बुलडोजर एक्शन से लेकर जो तमाम अवैध बिल्डिंगे हैं वो चिन्हित की जा रही हैं, जो अवैध प्रॉपर्टी है जो आरोपियों की उसको भी चिन्हित किया जा रहा है। संकेत जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत बैक टू बैक कार्रवाई की जा रही है ताकि दोबारा से ऐसी वारदात और ऐसी घटना सामने ना आए। जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया, और आप आगे भी बने रहिएगा, आगे भी आपसे खबर पर अपडेट लेंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश यादव पर निशाना देखने को मिला। अयोध्या गैंगरेप केस को लेकर पोस्ट के जरिए हमला किया गया। पीडीए भूलकर डीएनए की बात कर गुमराह कर रहे हैं, ये अखिलेश यादव पर केशव प्रसाद मौर्य ने आरोप लगाया। कोर्ट की बात कर गुमराह कर रहे हैं, अखिलेश को वोट बैंक के नाराज होने की चिंता है, सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाएगी, ये बात भी केशव प्रसाद मौर्य ने अपने पोस्ट में लिखी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अयोध्या गैंगरेप पीड़िता को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया था। उन्होंने लिखा कि बलात्कार पीड़िता के लिए सरकार अच्छे से अच्छा इलाज का बंदोबस्त करे, पीड़ित बालिका की रक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है, और साथ ही अखिलेश यादव ने पोस्ट में कोर्ट से भी अपील की। उन्होंने लिखा कि न्यायालय मामले का स्वतः संज्ञान लेकर हालात की संवेदनशीलता और गंभीरता को देखते हुए अपने पर्यवेक्षण में पीड़िता की हर संभव सुरक्षा सुनिश्चित करवाए। बदनीयत लोगों का इस तरह की घटनाओं का राजनीतिकरण करने का मंसूबा कभी कामयाब नहीं होना चाहिए। और ज्यादा जानकारी के साथ में संकेत हमारे साथ में लगातार जुड़ गए हैं। संकेत, पूरे मामले को लेकर राजनीति शुरू हो गई है, कई सारे स्टेट में हमने देखा जहां पर बलात्कार हुआ तो वहां पर जब सवाल उठाए गए विपक्ष की तरफ से, अब यहां पर जो केस है वो समाजवादी पार्टी के नेता पर है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मामले को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए। देखिए, सीधे तौर पर जो ये घटना हुई पूरी, इस पूरी घटना में जो आरोपी है वो समाजवादी पार्टी का पदाधिकारी है, यानी कि वो सिर्फ समाजवादी पार्टी का सदस्य नहीं बल्कि पदाधिकारी है समाजवादी पार्टी का। तो ऐसे में जहां एक तरफ लगातार योगी सरकार कार्रवाई कर रही है, चूंकि घटना इतनी गंभीर है, इतनी विभत्स है, और इस पूरी घटना को लेकर सरकार गंभीर है, उसको लेकर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं के बयान आए, उन बयानों के बाद समाजवादी पार्टी घिरती खुद नजर आई, और समाजवादी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी ने भी घेरा इस घटना को लेकर। जो समाजवादी पार्टी के बड़े नेता रहे उनके बयानों को लेकर, चाहे उन्होंने ट्वीट किया हो या फिर बयान दिए हो, उसके बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उनके जवाब दिया और मजबूती से जवाब दिया। भारतीय जनता पार्टी जहां इस पूरे घटनाक्रम को लेकर पूरी तरीके से गंभीर है, वहीं समाजवादी पार्टी राजनीति की बात कर रही है, लेकिन इतना तय है घटना
बहुत ही जिस तरीके से घटना हुई उसके बाद जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया गया और उन पर कार्रवाइयां ताबड़तोड़ जारी हैं। सरकार का सीधा निर्देश है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का निर्देश है, कोई भी आरोपी हो उसे किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा और इसका असर जमीन पर देखने को भी मिल रहा है। दरअसल योगी सरकार इस तरह की घटना में ये नजीर भी पेश करना चाह रही है कि कोई इसकी पुनरावृत्ति करने की कोई सोच भी न सके। यही वो वजह है कि लगातार कार्रवाई जारी है। हालांकि सियासत भी इस पर कर रही है, समाजवादी पार्टी के तमाम बड़े नेताओं के ट्वीट आ रहे हैं और उन पर जवाब भी दिए जा रहे हैं। उनको खुद अगर बात करें बसपा सुप्रीमो मायावती की, उन्होंने भी सरकार की इस कार्रवाई को सराहा है। सीधे तौर पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि ये जो कार्रवाई है इस तरीके की कार्रवाई जायज है और ऐसी कार्रवाई ऐसे आरोपियों पर होनी चाहिए और ये एक वास्तविक सच्चाई भी है कि जिस तरीके से घटना हुई और उसके बाद ऐसी कार्रवाई की ही उम्मीद पीड़ित परिवार भी कर रहा था। पीड़ित परिवार ने जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की तो परिवार ने सीधे तौर पर कहा कि वो बुलडोजर एक्शन चाहते हैं और वही बुलडोजर एक्शन योगी सरकार ने किया और अभी तो ये कार्रवाई की शुरुआत है। जिस तरीके से सरकार गंभीर है इस पूरी घटना को लेकर, कार्रवाइयां अभी और होंगी। एग्जांपल सेट करने की कोशिश की जा रही है ताकि दोबारा से इस तरह की घटना सामने ना आए। जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। अयोध्या गैंगरेप के आरोपी पर हुई कार्रवाई को लेकर सपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि सरकार गरीबों और कमजोरों को इंसाफ दिलाने का काम कर रही है, बुलडोजर अपना काम कर रहा है, आरोपी कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा। सरकार हमेशा गरीबों के साथ, कमजोरों के साथ, मजलूमों के साथ खड़ी है, उनको न्याय दिलाने के लिए कटिबद्ध है, जिसका उदाहरण आपने देखा कि जो सरकार का बुलडोजर है वो भी अपना काम कर चुका है और कर भी रहा है, कर चुका नहीं बल्कि कर रहा है। तो कार्रवाई में कहीं भी सरकार पीछे नहीं है। ऐसे लोगों के खिलाफ चाहे वो कितना भी ताकतवर हो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अयोध्या गैंगरेप को लेकर बीजेपी ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। यूपी बीजेपी के प्रवक्ता एसएन सिंह ने कहा कि अखिलेश यादव पीड़िता के साथ नहीं बल्कि अपनों के साथ खड़े हैं। ऐसे अखिलेश यादव जो सूबे के मुख्यमंत्री रहे हैं, जो एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आज इतनी ऊंची इतनी छोटी ऐसे बयान दे रहे हैं। एक पीड़िता के ऊपर क्या गुजर रहा होगा जिसके साथ अमानवीकृत हुआ, हैवानियत हुई। आज अखिलेश यादव जी पीडीए के साथ नहीं खड़े हैं, पीड़िता के साथ नहीं खड़े हैं, आज अपनों के साथ खड़े हैं, अपने वाले के साथ खड़े हैं, तुष्टिकरण के साथ खड़े हैं। अखिलेश जी कभी डीएनए टेस्ट की बात करते हैं, कभी वो जांच की बात करते हैं, कोर्ट की बात करते हैं। अखिलेश जी अगर जनता जांच करेगी ना तो परिणाम बहुत बुरा होगा। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव आरोपी मोई जो कि समाजवादी पार्टी का पदाधिकारी है उस पर एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। मतलब साफ है कि वोट बैंक के आगे पीडीए को किनारा कर दिया गया कि पीडीए पीडीए करने वालों ने जैसे ही अपराधी का नाम, क्योंकि मुस्लिम है, क्योंकि वो वोट बैंक से उसका जुड़ाव है, तो पीडीए को किनारे कर दिया। आज सवाल ये पूछा जाएगा कि अभी तक क्या कार्रवाई की गई है मोहित खान पर। अखिलेश जी बोलते डीएनए टेस्ट करवाओ। अखिलेश जी मोहित खान के जो समाजवादी पार्टी के गुर्गे हैं मोहम्मद राशिद, जयसिंह राणा, वो बच्ची के परिवार को धमकाने अस्पताल पहुंच गए, उनके ऊपर भी एफआईआर और मुकदमा हुआ है। तो ये तो स्पष्ट हो गया है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ही इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया और दबाने की कोशिश कर रहे हैं। परंतु आपकी ऐसी कौन सी लाचारी है कि आप इस मोहित खान को पार्टी से निकाल नहीं पा रहे। डिंपल यादव जी ने भी एक शब्द नहीं बोला है इस पर।